मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी मोहिनी का जन्मेजय को तक्षक की सौगंध के बारे में बताना। जन्मेजय का महाराज परीक्षित को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना, तक्षक को बंदी बनाने का आदेश देना, तक्षक का विद्रोह की आग को और भड़काना। युयुत्सु का क्रोध के परीक्षित ने उनकी बात नहीं मानी। राज पुरोहित का यज्ञ करने का परामर्श देना और फिर तक्षक से मिलकर 5,000 मुद्राओं के लोभ में पड़ना। महर्षि व्यास का राजमहल में आना, महाराज परीक्षित को गीता का पाठ पढ़ाना। मैं ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि एक ओर तक्षक की सौगंध, दूसरी ओर महाराज की कड़ी सुरक्षा, तीसरी ओर महर्षि व्यास का परामर्श तथा चौथी ओर कलयुग का बढ़ता हुआ प्रभाव। परिणाम कोई नहीं जानता था, केवल मैं जानती थी, या फिर समय। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक ही वस्तु है, कर्म। मनुष्य को तो उसके केवल कर्मों का ही फल मिलता है। ये उपदेश श्री कृष्ण ने आपके पितामह अर्जुन को दिया था और आज उन्हीं के वचनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, उसका अंत नहीं होता। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, न ही कोई शस्त्र उसे काट सकता है। राजन, अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल दीजिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, उसकी शरण में जाइए। आपको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, आपका यह स्थान तो आपकी प्रजा का हृदय है। आप अपना कर्तव्य समझकर प्रजा के समक्ष जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। बस यही इस भय का निदान है। महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? जहां हमें बहुत पहले जाना चाहिए था, हम अपनी प्रजा के सामने जा रहे हैं। किंतु महाराज, आप वहां नहीं जा सकते। कौन रोकेगा हमें? मैं इस राज्य का सेनापति हूं, आपकी सुरक्षा का दायित्व तो मुझ पर है। आप एक कक्ष छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, ये युवराज का आदेश है। राजा युवराज है या हम? आप तो आदेश किसका माना जाएगा, युवराज का या हमारा? आपका। तो हट जाओ हमारे सामने से, हट जाओ। सैनिक, खोलो इसे। महाराज, युवराज का आदेश है कि आप राजमहल से बाहर नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि खोलो इसे। महाराज, हम आपके साथ चलें? हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। युवराज, युवराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ सेनापति? महाराज सारी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर राजमहल के बाहर चले गए। ये क्या कह रहे हैं आप? कहां चले गए महाराज? युवराज, वो वन क्षेत्र की ओर गए हैं। वन क्षेत्र में अकेले? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया युवराज, परंतु महाराज की आंखों में क्रोध देखकर मेरा साहस। सेनापति, महाराज नागवंशियों के क्षेत्र में गए, वो नागवंशी जो महाराज के रक्त के प्यासे हैं।
वो तक्षक का क्षेत्र है। वो तक्षक जिसने महाराज का वध करने की सौगंध खाई है। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, परंतु मैं विवश था, मैं महाराज को न रोक सका। सेनापति, आप तुरंत अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर हमारे साथ चलिए, शीघ्र। जो आगे युवराज। पुत्र जन्मेजय। माताश्री, आप हमने जो सुना है वो क्या? हाँ माताश्री, पिताश्री सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वन क्षेत्र की ओर चले गए हैं। किंतु वहाँ तो सारे नागवंशी हैं। आप चिंता न करें माताश्री। चिंता क्यों न करूं? वे लोग तो महाराज के प्राण लेना चाहते हैं। नहीं माताश्री, हमारे होते हुए पिताश्री के प्राणों को कोई संकट नहीं है। नागवंशी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप निश्चिंत रहिए माताश्री, हम अभी महाराज को लेकर आते हैं। शीघ्र जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। हाँ माताश्री। महाराज, 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 लगता है महाराज अपने कक्ष में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। मैं अभी देखता हूं। कोई है? सैनिक। प्रणाम राज पुरोहित जी। महाराज अपने कक्ष में नहीं है, तुम्हें पता है कहाँ गए हैं? आपको पता नहीं राज पुरोहित जी? नहीं। महाराज तो सारी सुरक्षा के घेरे को तोड़कर निकल गए हैं राजमहल से। क्या? जी हाँ, सुरक्षा को तोड़कर निकल गए हैं, किंतु कहाँ? महाराज नागवंशों के क्षेत्र में अकेले ही गए हैं। नागवंशों के क्षेत्र में? जी हाँ। ठीक है, तुम जाओ। महाराज हमारे क्षेत्र में है शक्ति, अर्थात हमारा कार्य और भी सरल हो गया। हमें तुरंत अपने क्षेत्र में चलना चाहिए, चलो। ठहरो भाई ठहरो, इतनी शीघ्रता भी क्या है जाने की? हैं? जाने से पहले मेरी स्वर्ण मुद्राएं तो देते जाओ। अब काहे की स्वर्ण मुद्राएं पुरोहित जी? हमने तो महाराज के दर्शन भी नहीं किए। दर्शन नहीं किए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं तो तुम्हें राजमहल के भीतर ले आया ना। यदि तुमने मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो मैं तुम्हें राजमहल से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम हमें रोक लोगे पुरोहित जी? अवश्य रोक लूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम तक्षक हो और महाराज का वध करने आए थे। किंतु ये बताने के लिए तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा पुरोहित। अर्थात? अर्थात हमारा भेद खोलेगा तू। अब ये कुछ भी बताने योग्य नहीं रह सकती। चलो। अच्छा राज पुरोहित जी, हम चलते हैं। प्रणाम। राज पुरोहित होकर भी अपने कर्तव्य को भूल गया। स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मैं भूल गया कि महाराज अन्नदाता है। ईश्वर, मुझसे भयंकर भूल हुई है। मुझे मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। मैंने लोभ में आकर एक हत्यारे का साथ दिया। परिणाम यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि महाराज के कक्ष में राजपुरोहित की हत्या, और वो ऋषि। प्रजाजनों,
गजर प्रधान। महाराज परीक्षित यहाँ। कोई है इस बस्ती में? महाराज परीक्षित कहाँ गए सब? परीक्षित आज तू बच कर नहीं जाएगा। गजर प्रधान। राजा परीक्षित, राजा परीक्षित। ऋषि शमी की तुमने हत्या कर दी, अब क्या सारे समुदाय को समाप्त करने आए हो यहाँ? नहीं प्रधान। किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमने भी सौगंध खाई तुम्हारी हत्या करने की। अच्छा हुआ तुम स्वयं यहाँ चलकर आ गए। आज मैं आप सबके सामने आया हूँ आप सबको ये बताने कि ऋषि शमी की हत्या मैंने नहीं की। ऋषि शमी की हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? मैं नहीं जानता। किंतु जो बाण मेरे पिता श्री के शरीर में लगा था वो आपके ही धनुष से निकला था। यह सत्य है कि मैं आखेट के लिए आया था इस क्षेत्र में हिरण के पीछे। मैंने उस पर बाण चलाया परंतु मेरा लक्ष्य चूक गया और बाण जाकर लग गया ऋषिवर को। मैंने उनकी चीख सुनी, मैं उनकी सहायता के लिए दौड़ा परंतु जब देखा तो ऋषिवर घायल अवस्था में थे। मैंने उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी। उन्होंने मेरी भूल को स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा कर दिया। ऋषिवर ने मुझसे पानी मांगा, मैं उनके लिए पानी लेने गया परंतु जब लौट कर आया तो देखा कि ऋषिवर वहां नहीं थे। वो वहां इसलिए नहीं थे कि वो मर चुके थे। नहीं, जब मैं उन्हें वहां छोड़कर गया था तो वे जीवित थे। यदि वो जीवित होते उनके मृत शरीर को तक्षक यहां कैसे लाता? तुमने मारा उन्हें, तुमने। मेरा विश्वास करो गजर प्रधान, मैं क्यों मारता उन्हें? मुझसे क्या बैर था उनका? बैर था? वो आर्यों की शरण में ना रहकर नागवंशियों की शरण में आ गए थे। आपके अहंकार को ठेस लगी, आपने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो नागवंशियों के साथ ना रहें। जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उनका वध कर दिया। ये सब बातें तक्षक ने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है और उसी ने आके हम सबको ये बताया है। ये झूठ है। जब ऋषिवर घायल अवस्था में थे तब तक्षक वहां नहीं था। हो सकता है हमारे जाने के पश्चात तक्षक वहां आया हो और उसी ने ऋषिवर की हत्या की हो। किंतु तक्षक ऐसा क्यों करेगा? आप तक्षक से घृणा करते हैं महाराज। घृणा तो उसके मन में आर्यों के प्रति, परंतु हमारे मन में कोई घृणा नहीं। अरे तक्षक को तो चोरी के अपराध में प्रस्तुत किया था हमारे सामने, हमने तो उसके दोनों हाथ काटने का दंड भी दिया था, परंतु ऋषि जर के कहने पर हमने उसे क्षमा कर दिया। हमारी दृष्टि में आर्य और नागवंशियों के बीच कोई अंतर नहीं, और इसका प्रमाण है कि हमने तक्षक की पुत्री मोहिनी को अपनी पुत्र वधु बनाने का निर्णय किया है। और यह प्रथम बार नहीं है, इससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने असुर और नागवंशी कन्याओं से विवाह किया है। महारानी शर्मिष्ठा और महारानी कुंती इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। किंतु यह सब कहने से ऋषि शमी की हत्या का अपराध तो नहीं धुल जाता? मैं अब भी कहता हूं मैंने ऋषिवर की हत्या नहीं की। जब मुझे उनके मृत्यु का समाचार मिला तो साथ ही साथ मुझे यह समाचार भी मिला कि नागवंशियों ने मेरा वध करने की सौगंध खाई है। उस समय थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं आपके सामने क्षमा मांगने नहीं आ सका। परंतु आज मेरी अंतरात्मा, मेरे कर्तव्य ने मुझे विवश कर दिया आप सबके बीच आने के लिए। आज मैं महाराज परीक्षित आप सबके सामने क्षमा याचना करता हूं। आप सब मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं कि वो राजा राजा नहीं रहता
जिसका प्रजा से संपर्क टूट जाए वो राजा राजा नहीं रहता। जिसे प्रजा रक्षक नहीं भक्षक समझे वो राजा राजा नहीं रहता। जिस पर से प्रजा का विश्वास उठ जाए, मैं आपसे फिर कहता हूं, यह अपराध मैंने नहीं किया। यदि फिर भी आपकी दृष्टि में मैं अपराधी हूं तो मुझे इसका दंड अवश्य दीजिए। जब प्रजा अपराध करती है तो राजा उसे दंड देता है, परंतु जब कोई राजा अपराध करे तो उसे दंड देने का प्रजा को पूरा अधिकार है। यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे पिताश्री की हत्या की है तो यह लो खड़क और कर दो मेरा वध और ले लो अपने पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरा कोई भी अधिकारी अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा तुम्हारे विरुद्ध। सोच क्या रहे हो? मैं तुम्हें एक अपराधी को दंड देने का अधिकार दे रहा हूं। ये लो खड़क और कर दो मेरा वध और मुझे इस अपराध के भार से मुक्त कर दो। मुक्त कर दो मुझे। नहीं महाराज, नहीं, आप अपराधी नहीं है, आप अपराधी हो ही नहीं सकते। आपने मेरे पिताश्री की हत्या नहीं की। आप तो महान है महाराज, महान है। आपने सार्वजनिक क्षमा याचना करके ये सिद्ध कर दिया कि आप सचमुच न्यायप्रिय हैं, प्रजाप्रिय हैं। मेरे पिता की मृत्यु के कारण आपके प्रति मेरे हृदय में जो आक्रोश और प्रतिशोध की भावना घर कर गई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मैं आपको अपने हृदय से क्षमा करता हूँ महाराज, क्षमा करता हूँ मैं आपको। महाराज, संगी सत्य कहता है, आप निर्दोष हैं, आपको हम सभी ने क्षमा कर दिया है। हम बदले की भावना में भड़क उठे थे, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। हम समस्त नागवंशी समुदाय की ओर से वचन देते हैं कि आज से आपका कोई शत्रु नहीं, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, हमारे मन में कोई घृणा नहीं। यदि यह भावना किसी के अंदर पैदा हुई तो हम प्रतिज्ञा करते हैं इन्हें हाथों से उसका वध कर देंगे। मैं सच्चे हृदय से आपका आभारी हूं, आप सबका भी आभारी हूं मैं। आज मेरे मन पर कोई बोझ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज को तो सभी नागवंशियों ने क्षमा कर दिया है। हाँ, क्षमा कर दिया है इन मूर्खों ने। ये तुम क्या कर रहे हो तक्षक? वही जो मुझे करना चाहिए। किंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते तक्षक। अरे, महाराज को तो स्वयं श्रृंगी ने भी क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा नहीं करूंगा, नहीं क्षमा करूंगा मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। तुमने भी तो मेरे साथ सौगंध खाई थी शक्ति। किंतु अब वह स्थिति समाप्त हो गई है तक्षक। रुक जाओ तक्षक, रुक जाओ। धनुष पर चढ़ा पान कभी रुका है? महाराज! महाराज, महाराज, क्या हुआ आपको? ये बार किसने मारा? महाराज, श्रृंगी! महाराज को किसने मार मारा? अरे महाराज, महाराज, महाराज किसने? महाराज, संभालिए अपने आप को। महाराज, संभालिए अपने आप को। अरे महाराज! पिताश्री, हट जा तुम सब। पिताश्री, किसने चलाया ये बाण? किसने चलाया ये बाण? किसने की हमारे पिताश्री की हत्या? बोलो, बोलो। तुम लोगों का मौन तुम्हें हमारे क्रोध से नहीं बचा पाएगा। बोलो, कौन है तुम में से हत्यारा? तू बोल।
किसने किया ये घोर अपराध? किसने की महाराज की हत्या? हम नहीं जानते युवराज, हम नहीं जानते कि महाराज पर बाण किसने चलाया। महाराज तो यहाँ हमसे क्षमा मांगने आए थे और हम सबने उन्हें क्षमा भी कर दिया था। प्रधान, तू बता हत्यारा कौन है? युवराज, सृंगी सत्य कह रहा है, हम सबने उनको क्षमा कर दिया था। झूठ, झूठ है ये सब तुम लोगों का षड्यंत्र है। मैं जानता हूं मेरे पिताश्री की हत्या किसने की, तक्षक ने, किंतु तुम सबने मिलकर उसे यहां से भगा दिया। नहीं युवराज, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है। यदि तुम लोगों ने मुझे उस हत्यारे का नाम नहीं बताया तो हम तुम सबको मृत्यु दंड देंगे। सैनिकों, इन सबको बंदी बना लो। ठहरो, दादाश्री, इन लोगों ने मेरे पिताश्री की हत्या कर दी। हत्यारे ये सब। पौत्र, दादाश्री, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे पिताश्री की हत्या की है। मैंने इन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादाश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सारे लोग हत्यारे हैं, अपराधी हैं ये। अपराधी ये नहीं, मैं अपराधी को जानता हूं। वो तक्षक है। तक्षक ने ही की है महाराज परीक्षित की हत्या। किंतु अभी कुछ नहीं होगा पुत्र। किंतु दादाश्री, मैंने इन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। आज तुम्हारा कोई आदेश नहीं माना जाएगा पौत्र। ये क्या कह रहे हैं आप दादाश्री? हाँ, सत्य कह रहा हूं पौत्र। आदेश तो केवल राजा दे सकता है। तुम युवराज हो, राजा नहीं। धीरज और संयम को अपने हाथ से मत जाने दो पौत्र। ये समय क्रोध और प्रतिशोध का नहीं है। तो क्या हत्यारे को छोड़ देंगे आप? नहीं, हत्यारा भी बच नहीं पाएगा। किंतु सबसे प्रथम कार्य जो है वो है महाराज का अंतिम संस्कार और तुरंत उसके पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक। अब ये राज्य शासकहीन हो गया है। अब ये हस्तिनापुर का राज सिंहासन रिक्त है और जब तक इस रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हो जाती, ना तो तुम कोई आदेश दे सकते हो और ना ही तुम्हारा कोई आदेश माना जा सकता है। किंतु मैं? पौत्र, तुम केवल युवराज हो और हम महामंत्री हैं इस राज्य के, इसीलिए हमारा आदेश माना जाएगा। तो फिर आदेश दीजिए। महाराज के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक राजमहल में ले जाया जाए। आदेश का पालन होगा पौत्र। महाराज के मृत्यु का कारण केवल एक ही है। संसार में उनका समय समाप्त हो गया। काल को तो एक बहाना चाहिए। मनुष्य हर वस्तु से लड़ सकता है किंतु काल से नहीं। सेनापति, महाराज के पार्थिव शरीर को राजमहल में ले जाने का प्रबंध किया जाए। Thank you.
नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़कर नहीं जा सकते, ये कैसे हुआ पुत्र, ये कैसे हुआ बताओ पुत्र। तुम तो मुझे वचन देकर गए थे कि महाराज के प्राणों को कोई संकट नहीं, फिर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ बोलो। अभिश्री, जब हम वहां पहुंचे तो तक्षक महाराज का दादाश्री आप ही गए थे वहां पर, फिर ये कैसे हुआ, कैसे होने दिया आपने? कुलवधू, होनी को कौन टाल सकता है, बस अब धीरज रखो। कैसे धीरज रखो दादाश्री, ये देखकर कोई धीरज रख सकता है? किंतु इसके सिवा कोई उपाय भी तो नहीं है। यही वो स्थान है जहां मनुष्य विवश हो जाता है, विवश हो जाता है नियति के आगे। किंतु दादाश्री, उनके बिना ये पर्वत जैसा जीवन में कैसे बिताऊंगी, कैसे बिताऊंगी? कुलवधू, 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 मेरी मेरी ओर देख, मेरी विवशता को देख। भाग्य की एक ऐसी विडंबना है कि जिसके कंधों पर मुझे जाना था, आज उसे मेरे इन वृद्ध और दुर्बल कंधों पर जाना पड़ेगा। कुलवधू, आज मैं संसार का सबसे बड़ा बोझ उठाने जा रहा हूं। रोक लो, रोक लो इन आंसुओं को, यही तो प्रकृति का नियम है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। अपने मन को शांत रखो कुलवधू, तुम उनकी अर्धांगिनी हो, उनके जाने के पश्चात तुम्हारे सर पर भी उत्तरदायित्व का एक बोझ है। महाराज की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना है, उनके सपनों को साकार करना है तुम्हें। किंतु सबसे प्रथम कार्य है महाराज का अंतिम संस्कार। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कुलवधू, शांत हो जाओ। ये तुम्हारा अंतिम कर्तव्य है, अपने पिताश्री को मुखाग्नि दो, जाओ।
कुलवधु, कुलवधु, जब मुख से ये शब्द निकलते हैं कि धीरज रखो, तब आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तुम केवल महाराज परीक्षित की धर्म पत्नी ही नहीं, उनके पुत्र की मां भी हो। महाराज परीक्षित की अचानक मृत्यु से राज सिंहासन सूना पड़ा है। सबसे अनिवार्य जो कार्य है इस समय वो है युवराज जन्मेजय का राज्याभिषेक, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। ये तुम्हारा कर्तव्य है अपने पुत्र को समझाना। भरे और दुखी हृदय से ही सही, किंतु ये कार्य संपन्न होना है। ये महाराज परीक्षित की अंतिम इच्छा थी। वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक देखना चाहते थे। अब यदि उनकी इस इच्छा की पूर्ति होगी तो उनकी आत्मा को शांति होगी। हाँ दादाश्री, मैं तो अपने दुख में भूल ही गई थी। महाराज की इच्छा अवश्य पूरी होगी। माताश्री आप? हाँ पुत्र, संतान माता पिता की आशाओं का केंद्र होती है। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका पुत्र उसका स्थान ले। किसी की ये इच्छा पूरी हो जाती है तो किसी की अधूरी रह जाती है। किंतु पिता के उत्तरदायित्व का भार पुत्र के कंधों पर ही आता है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। पुत्र, जब तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो जाता वह स्थान रिक्त रहेगा जो तुम्हारे पिताश्री छोड़कर गए हैं। किंतु माताश्री, इस समय यह मेरे लिए असंभव है। मैं जिधर देखता हूं मुझे पिताश्री की छवि दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो यही है हमारे पास। कोई आहट होती है तो ऐसा लगता है कि वो आ गए। इस शांत वातावरण में मुझे उनकी वाणी सुनाई देती है, मानो वो मुझे पुकार रहे हो।
पुत्र जनमेजय, पिताश्री, नहीं माताश्री, इस समय मेरा राज्याभिषेक नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, जिस प्रकार दृष्टि के बिना नेत्र नहीं होते, धड़कन के बिना हृदय नहीं होता और आत्मा के बिना शरीर नहीं होता, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य नहीं होता। हस्तिनापुर का सिंहासन सुना पड़ा हुआ है, उसे तुम्हारी प्रतीक्षा है पुत्र, और ये तो तुम्हारे पिताश्री की भी अंतिम इच्छा थी। वे तुम्हें स्थान पर देखना चाहते थे, उनकी इच्छा पूर्ण करो पुत्र। मैं उनकी आंखों से तुम्हें स्थान पर देखना चाहती हूं, और यदि उनकी इच्छा पूर्ण न हुई तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जो आज्ञा।